हाँ जी स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। अपना ETT दे स्टूडेंट का सब्जेक्ट चल रहा है स्कूल कल्चर ट्रेडिशन एंड चेंज। ठीक है, वह अपना चैप्टर नंबर 14 चल रहा है, जो कि बहुत ही लंबा चैप्टर गया अपना। अज उस आप लास्ट वीडियो शेयर कर रही है, आज चैप्टर 14 आप कंप्लीट कर रहे हैं। अपना एक ही टॉपिक बचता सी, अपना सीगा टॉपिक का नेम टीम लीडरशिप की लोड़ ते महत्ता। कहिंदे आप टीम लीडरशिप कर रहे भी उहदी आपां नूं नीड क्यों है ते उहदी इंपोर्टेंस की है। कहिंदे जी टीम लीडरशिप है इहदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के संगठन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होंदा। किसी भी टीम की सफलता या असफलता टीम की लीडरशिप पर निर्भर करती है, क्योंकि जिस तरह का अपना लीडर होएगा, जिस तरह के अपन निर्देश देगा, उस अकॉर्डिंग अपनी सक्सैस से अनसक्सैसफुल होना प्रभावित करता उस चीज़ को बहुत ज़्यादा। तो यदि की लोड़ ते महत्ता, सब तो पहला निशानिया की प्राप्ति लिए टू रियलाइज़ द ऑब्जेक्टिव। कहते किसी भी संस्था के जिहड़े टीम के मैंबर है वो मिलकर ही किसी टीचे को प्राप्त करने अपने निशानियों को प्राप्त करने इकट्ठे होकर यतनशील रहते हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ उद्देशों की जरूरत पैंती है। वो उद्देश टीम लीडरशिप द्वारा ही प्रोवाइड उन्होंने किए जाते हैं। सैकेंड, निर्देशन स्पष्ट आदेशों लिए फॉर डायरेक्शन एंड क्लीयर इंस्ट्रक्शन। उसके अलावा कहते जे जिन्हें भी नेता वो अपने समूह मैंबरों को सही आदेश देंगे है, स्पष्ट करते उन्होंने उद्देशों लिए। ठीक है, तो हरेक प्रकार का जिहड़ा निर्णय विचार किवें दिता जाऊगा, स्पष्ट आदेश किस तरह के होंगे, वो भी टीम लीडरशिप की जरूरत है। थर्ड, प्रशासन की सफलता लिए फॉर सक्सैसिव एडमिनिस्ट्रेशन। उस तो अलावा जो भी अपना प्रशासन चल रहा है उसकी दूरदर्शा को ध्यान में रखते हुए उन्होंने प्रभावित करने कुशल बनाने लिए एक कार्यशील व्यक्ति का होना जरूरी है, जिन्होंने आप टीम लीडरशिप जिसे हाथ में उसकी बागडोर सौंपते हैं, तो वो प्रशासन की सफलता लिए भी जिहड़ा है टीम लीडरशिप वधिया तरीके की होनी जरूरी होंगी है। फोर्थ, अनुयायियों को अभी प्रेरणा प्रदान करने लिए फॉर मोटिवेशन द फॉलोअर्स। कहते जिन्हें भी फॉलोअर्स होंगे है उन्होंने एक वधिया मोटिवेशन देने लिए भी अपन टीम लीडरशिप की जरूरत पैंती है। उस तो बाद आ गया समूह प्रति निष्ठा बनाई रखने लिए फॉर मेनटेनिंग बिलीफ इन ग्रुप। उस एक ग्रुप के एक सही विश्वास किस तरह कायम करना, एक निष्ठा किवें कायम रखनी है, विचार वटांदरा किस तरह करना है, वो चीज़ों को बनाने लिए अनुशासन मेनटेन करने लिए भी टीम जी लीडरशिप है वो जरूरत पैंती है। नेक्स्ट इज उदाहरण कायम करने लिए सैटिंग फॉर एग्जाम्पल। कहते जिस तरह अपनी टीम का प्रदर्शन होगा वो एक एग्जाम्पल सैट कर लेंदा है अगले व्यक्तियों के लिए, तो एक वधिया एग्जाम्पल सैट करने लिए फॉर द अदर पीपल जी टीम लीडरशिप है वो की होनी चाहिए है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान जोड़ा वो निभाती है। समूह दिया भावनावान से समस्यावान समझाने फॉर अंडरस्टैंडिंग फीलिंग एंड प्रॉब्लम ऑफ ग्रुप। कहते एक ग्रुप में किस तरह दिया प्रॉब्लम फेस आउट करनिया पै सकती हैं, उन्होंने प्रॉब्लम्स को आप किवें सॉल्व कर सकते हैं, उन्होंने चीज़ों लिए भी टीम लीडरशिप जी है जरूरी होंगी है। मार्गदर्शन एज फॉर द गाइडेंस। किसी किस्म की टीम में किसी चीज़ की गाइडेंस की जरूरत है, उस गाइडेंस को आप किवें प्रोवाइड कर सकते हैं, वो भी टीम लीडरशिप जरूरी है। समूहिक क्रियावां का संचालन करने लिए एक टीम को संचालन करने लिए एक नेता की जरूरत होती है ना, कोई भी टीम का संचालन सारे व्यक्ति मिलकर तो करेंगे नहीं, एक जिहड़ा लीडर होगा टीम का वो टीम का संचालन करेगा, तो एक वधिया संचालन करने लिए टीम लीडरशिप की जरूरत पैंदी है। संगठना के उद्देश प्राप्त करने लिए अपने जो भी उद्देश है, जो भी आप टीचे मिथे, जो भी अपने एम है, उन्होंने अचीव करने लिए एक वधिया यतनशील उत्साहपूर्वक व्यक्ति पैदा करने लिए टीम लीडरशिप की जरूरत होंगी है। उस तो अलावा गतिशील लीडरशिप का विकास करना, गतिशील मतलब फ्लैक्सीबल होना चाहिए, डायनामिक होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू टाइम चलता रहना चाहिए। यह नहीं भी टीम लीडरशिप अज प्रोवाइड होगी फिर आपको बंद होगी, तो एक कॉन्टीन्यू वे नाल चलन वाला यही एक प्रोसैस जिन्होंने आप कहने फॉलो होंगे। हुण स्कूल के मुख अध्यापक की टीम नेता के रूप में भूमिका है, तो आप देखा से एक टीम लीडरशिप जो एक प्लेइंग टीम है वो नेता किस तरह उनका संगठन करता है, हुण एक स्कूल के मुख अध्यापक की एज ए टीम लीडरशिप की भूमिका होंगी है, जो हैडमास्टर होंगे। सब तो पहला संसाधन प्रदान करने लिए रिसोर्स प्रोवाइड, स्कूल के किसी भी चीज़ की कोई कमी है, कोई रिसोर्सिज अवेलेबल नहीं है, अध्यापकों को चाहिए, बच्चों को चाहिए, उन्होंने प्रोवाइड करने की रिसपोंसिबिलिटी स्कूल के मुख अध्यापक की होंगी है। उस तो इलावा इंस्ट्रक्शनल एक्सपर्ट, जिन्हें भी स्कूल के कोई इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करनी है, किस तरह रणनीतियाँ सही ढंग चलनगियाँ, अध्यापन किस तरह सही ढंग चलाया जाएगा, वो भी जी हैगी है वधिया लीडरशिप की जरूरत होंगी है। जमात कमरे में सहायक, एक क्लासरूम के वधिया आयोग करने लिए, ठीक है, क्लासरूम के चीज़ा चाहिए या कोई बच्चों को कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं क्लासरूम के उन्होंने हल करने के मुख्य अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होंगी है। पाठक्रम माहिर, उस तो इलावा पाठक्रम डिसाइड करने, करिकुलम डिसाइड करने भी स्कूल का जो प्रिंसीपल है एक मुख्य भूमिका निभाता है। सीखने विच लर्निंग फैसिलिटेटर, कोई सीखने के अलग अलग मौके प्रोवाइड करने, एक वधिया कहिंदे आ मौके प्रोवाइड करने लिए एक वधिया अरेंजमेंट करनी, कोई मीटिंग्स वगैरह अरेंज करनी, यह भी वो मुख्य भूमिका रहती है स्कूल लीडरशिप की।
उस अलावा सलाहकार के रूप में आता है, मैंटर के रूप में आपके आप को रिप्रजेंट करता है। ठीक है, कई किस तरह कई सही तरीके नाल सलाह दे सकते हैं, मैंटर की जरूरत होंगी है। अध्यापक दी समस्यावां हल करने लई कोई भी अध्यापकों के सामने कोई समस्यावां आदि है उन्हों का हल करने लई भी एक स्कूल प्रिंसीपल की जरूरत होंगी है। उस तो इलावा स्टाफ नाल संबंधित रिलेशन विद स्टाफ, स्टाफ नाल एक वधिया रिलेशनशिप क्रिएट करन दे लई आपां नूं जरूरत होंगी है। स्कूल मुख अध्यापक की स्टाफ प्रति उचित विहार एप्रोप्रिएट बिहेवियर होना चाहिए आपके स्टाफ के नाल। उस तो इलावा स्टाफ नाल जिहड़े रिलेशन है एक स्कूल के मुखी के एक रिलेशन वधिया होने चाहिए स्टाफ के नाल। स्टाफ मैंबर सहयोगात्मक समझ बिल्डिंग ऑफ कोऑपरेटिव अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए है, क्योंकि प्रिंसीपल की जिनी कोऑपरेटिव अंडरस्टैंडिंग होगी स्टाफ के नाल उन्ना ही वो स्टाफ वधिया तरीके काम कर पाऊगा। स्टाफ तो उम्मीदा लगा सकते हैं, मतलब उम्मीद की होंगी है प्रिंसीपल की स्टाफ तो भी उन्होंने सहयोग प्रोवाइड करे, एक वधिया मार्गदर्शन प्रोवाइड करने के उन्होंने मदद करे। तो यह सारा काम जिहड़ा है स्कूल के एक लीडरशिप जिहड़ा है मुख अध्यापक एज ए लीडर जिहड़ा है स्कूल के एक वधिया भूमिका निभाउंदा। तो ये स्टूडेंट अपना चैप्टर जिहड़ा 14 है कंप्लीट होंदा। नैक्सट वीडियो आप चैप्टर 15 शुरू करांगे।